जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आइए, हम लोग चैप्टर देख रहे थे, ये पांच था प्रश्नावली, और प्रश्नावली पांच में हम लोग 5.2 देख रहे थे। ये जितना भी प्रश्न पूछा गया था 2011 से लेकर 24 तक, दूसरा जो था प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक देख चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक। आइए हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 से 20 तक और 2011 से लेकर 24 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 5.2 से, प्रश्नावली 5.2 से टोटल 25 प्रश्न पूछा गया था अभी तक में। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक प्रश्न करके देखते चलेंगे। 16 नंबर है प्रश्न संख्या 16। समांतर श्रेणी √7, √28 और √63 का चौथा पद है। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ। अब चौथा पद निकालना है, तो आप चाहे तो एपी का फॉर्मूला लगा लीजिए, इसे ऑप्शन बेस है तो ऑप्शन बेस भी बना सकते हैं। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। √7 पहला पद हुआ, दूसरा पद 7 × 4 = 28, 2√7 हो जाएगा, और 63 × 9 = 63, 3√7 हो जाएगा, और नेक्स्ट अगला पद क्या होगा, ये 1√, ये 2√, ये 3√, अगला क्या होगा, 4√7 होगा। 4√7 का मतलब 4 × 16 और 16 × 7 112, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 17। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ए का मान निकल गया, डी का मान निकाल लीजिए, और एन का मान 4 दिया गया है, बस इससे भी बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे आपको बनाना है बना सकते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो दशमलव वाला आपको पहले ही बता दिया है, एक अंक के बाद, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, ये कदापि नहीं होगा एपी में। इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट, हम लोग ये 11 में से 1 घटाएंगे 10 होगा, 111 में से 11 घटाएंगे 100 होगा, ये कदापि ये भी नहीं होगा एपी में। अब न ही ए हुआ न बी हुआ, अब बचा क्या, सी। सी देख लेते हैं, सी क्या है, 4 − 2 = 2 हो जाएगा, 8 − 4 ये क्या होगा, 4 होगा, 16 − 8 = 8 होगा, ये भी कदापि नहीं होगा एपी में, क्योंकि एपी में तभी होगा, कॉमन डिफरेंस सब में क्या आएगा, सेम होगा, तभी जाके क्या होगा, एपी में होगा। अब डी की बात करें तो डी क्या है, −4 और −0, तो −4 हो जाएगा, −8 और −−+4, ऐसे −8 और −-4 क्या होगा, −8 − −+4, यानी क्या होगा, −4 हो जाएगा, और दूसरा −8 हो गया ये, और −12 और −12 और −8, तो −−+, −12 और +8 कितना, −4, यानी सब में क्या है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, यानी −4 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन जो है डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। जो निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन डी जो है आपका, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी 2023 का ये फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया प्रश्न था। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, जहां भी आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, हम लोग 17 हो गया, 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 क्या दिया गया है, 18 आप लोगों के सामने, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर यानी वही डी पूछा गया आपसे, कॉमन डिफरेंस पूछा गया, तो कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइए इसे हम आपको बताते हैं, ये क्या होगा, √18, √9 = 18, यानी 3√ कितना, 2 हो जाएगा, 50, 25 × 50, 5√ कितना होगा, 2 हो जाएगा, 98 यानी 7√ कितना हो जाएगा, 7 × 49 × 98, 2 हो जाएगा, 162, इस तरह से दिया गया है, यानी 5, 7 यानी 9√ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां से 3√2, 5√2, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 5√2 और −3√2, तो 5 में से ये 3 घटाएंगे, ये 5√2, 5 × 3 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, कॉमन डिफरेंस ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे 19। प्रश्न संख्या 19 आप लोग के सामने दिया गया है, ये क्या है 19 में, यदि 2x − 1, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, 2x − 1 ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। आइए देखते हैं 2x − 1, और नेक्स्ट पद दिया है 3x + 2, और क्या दिया है 6x − 1, ये 3 पद दे रखा है,
किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद है तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान ऐसे निकलेगा दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे माइनस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे माइनस करेंगे दूसरा पद में से पहला पद को। तो दूसरा पद यहां दिया गया है, दूसरा पद क्या दिया गया है तो 3x+2 यानी 3x+2 दिया गया है दूसरा पद। आइए देखते हैं और माइनस हो जाएगा क्या, चलिए माइनस हो जाएगा पहला पद, पहला पद दिया है 2x-1 दिया गया है और ये इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा किसके, तो ये तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना दिया गया है तो 6x-1 दिया गया है तीसरा पद, तो तीसरा पद और माइनस होगा दूसरा पद, दूसरा पद कितना 3x+2 तो 3x+2 ये इस प्रकार से दे रखा। आइए देखते हैं इसको हम, चलिए देखते हैं ये माइनस हो जाएगा यहां, ये इक्वल होगा और यहां माइनस हो जाएगा, यानी दूसरा पद में से क्या करेंगे पहला पद को घटाएंगे और यहां तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस सब में क्या होगा सेम होगा और प्रश्न बन जाएगा। अब बनेगा कैसे, एक दो स्टेप करेंगे 3x+2 और माइनस 2x और माइनस माइनस +1 और बराबर 6x-1 और ये +-3x और -+-2। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व क्या होगा 3x और ये 2x तो 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा प्लस में 2 और 1 3 होगा। अब यहाँ 6x में से 3x घट जाएगा, 6x-3x कितना 3x और -1 -2 -3। अब यहां से 3x प्लस में इधर आएगा माइनस में, x-3x ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -3 -3 6 हो जाएगा, ये -2x बराबर -6। अब यहां से 2 गुना इधर आएगा भाग में, x बराबर -6/-2 ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से क्या होगा माइनस कैंसिल है, 2 3 6 यानी 3, x का मान निकल के आएगा कितना 3। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आइए एक प्रश्न और बच गया 25 यानी 19 हो गया था 20। आइए देखते हैं 20 क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद क्रमशः इतना इतना दिया गया, सेम क्वेश्चन यानी उसी तरह का है, 3y-1 3y+5 तथा 5y+1 है तो y का मान, y का मान है तो y का मान है, उसी तरह हम लोग बनाएंगे 3y+5-3y-1 इस तरह से दिया है, बराबर होगा किसका तो 3 यानी 5y तीसरा पद से होगा यानी 5y+1 और माइनस होगा क्या होगा माइनस किसके तो दूसरा पद 3y+5 इस तरह से ये दिया गया है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3y+5 ये -3y -±+1 बराबर 5y+1 और ये -±3y और क्या -±5। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 3y और माइनस में 3y ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा 3y प्लस में और 3y माइनस में, 5 1 6 हो जाएगा। अब यहां से 5y-3y तो 2y बचेगा और 5 -1 + तो -4 बचेगा, -4 + इधर आएगा यानी -4 है इधर आएगा प्लस में, 6 4 10 10 बराबर 2y, 10 बराबर कितना 2y तो y 2 गुना इधर आएगा भाग में हो जाएगा यानी y बराबर कितना 5 2 10 y का मान निकल के कितना आया 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न था और 21 नंबर प्रश्न 21 से लेकर 25 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।